शाम के 5 बज रहे थे, उसी वक्त मेरा मोबाइल बज उठा। सामने विक्रम था। हमेशा की तरह वो प्यार से बोला, सुनीता क्या कर रही हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस अब ऑफिस से निकलकर पीजी जाऊंगी। तुम क्या कर रहे हो? और सामने से जो सुना उस पर विश्वास नहीं हुआ। विक्रम बोला, पैकिंग कर लो, हम घूमने जा रहे हैं। आज फ्राइडे है, मंडे भी ऑफ है और ट्यूसडे की मैं छुट्टी ले लूंगा। तुम बस पैकिंग करो और रास्ते के लिए कुछ खाना पैक करवा लेना, मैं जल्दी पहुंचता हूँ। विक्रम भी ना, सरप्राइज कर देता है कभी कभी। पिछले एक महीने से इसी बात पर हमारी बहस चल रही थी। मैं उसे कह रही थी, लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, प्लान बनाओ, पर उसने अपने घर जाने की रट लगा रखी थी। हम दोनों ही गुड़गांव में जॉब करते थे, अलग अलग पीजी में रहते थे, हफ्ते में 3-4 बार मिल लेते थे, पर वीकेंड पर विक्रम का घर जाना जरूरी ही था। उसके पेरेंट्स उसकी राह देखते थे। मेरा अपना कहने को कोई नहीं था इस दुनिया में। चाचा ने ही मेरी परवरिश की थी। अब जब वो नहीं रहे तो मैं उनकी फैमिली में एक अवांछनीय सदस्य हो गई, इसलिए पिछले 2 साल से पीजी में रहने आ गई थी। यही विक्रम से मुलाकात हुई, और कब मुलाकातें प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। हम दोनों उम्र के 30 बसंत देख चुके थे। अब हमारे प्यार में लड़कपन नहीं था, एक गंभीरता थी। खैर, ये तो हुआ परिचय। अब अपनी कहानी पर आती हूँ। उस दिन जैसे मेरे पैरों को पंख लग गए थे। मैं बहुत खुश थी। विक्रम के साथ इतने दिन बिताने की कल्पना से ही मैं सिहर उठी थी। मैंने जल्दी से सब जरूरी चीजें पैक की, अपने वॉकिंग शूज कसे और रेडी हो गई। तभी फोन पर मिस्ड कॉल यानी विक्रम आ गया। मैंने जल्दी से सामान गाड़ी में रखा। हम दोनों आज बहुत खुश थे। हम पूरी रात ड्राइव करते रहे, और जब सुबह की पहली किरण उदित हुई तो हम उत्तराखंड के एक छोटे से हिल स्टेशन पर पहुंच चुके थे। वहां हमने घूम घाम कर देखा और हमें रहने के लिए नदी किनारे एक शांत सी कॉटेज मिल गई। रूम बहुत आलीशान था, बड़ी बड़ी खिड़कियां और सामने खूबसूरत नदी। विक्रम जानता था मुझे क्या पसंद है। हमने जल्दी से फ्रेश होकर पहले अपनी नींद पूरी करने का प्लान बनाया, पर मेरी आंख शाम को 3 बजे के लगभग खुल गई। विक्रम अभी भी सो रहा था। मैं खाने के लिए कुछ ढूंढने लगी, तभी मुझे लगा जैसे कोई गुनगुना रहा ये है। गुमराहों का रास्ता, मुस्काने झुकी है। मैंने दरवाजा खोला तो लॉबी के आखिरी हिस्से में बड़ी सी खिड़की पर एक लड़की अपना सिर टिकाए खोई हुई सी गुनगुना रही थी। उसकी पीठ मेरी ओर थी। उसके बाल घुंघराले और बिखरे हुए स्याह काले। मुझे लगा यहाँ कोई और भी है। चलो अच्छा है, साथ में कोई अपनी उम्र का है, ट्रैकिंग में मजा आएगा। तभी विक्रम ने मुझे आवाज दी, सुनीता कहाँ गई? और तभी उस लड़की ने मुड़कर मुझे देखा। वो बहुत ज्यादा गोरी थी। मुझे देख वो मुस्कुरा दी। मैंने भी मुस्कुराकर उसका प्रत्युत्तर दिया। हम तैयार होकर लगभग 4 बजे के करीब कस्बे की ओर निकले। मैं और विक्रम दोनों भूख से परेशान थे। आगे कुछ दूरी पर एक छोटा सा ढाबा दिखा। वहां हमने आलू के पराठे खाए और चाय पी। ढाबे का मालिक एक बूढ़ा सा आदमी था। वो कहने लगा, आप लोग कहाँ रुके हो? हम लंच बॉक्स भी भेज सकते हैं। जब हमने बताया हम कहाँ रुके हैं, तो उस बूढ़े और ढाबे पर खड़े अन्य लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। कोई कुछ बोला तो नहीं, पर कानाफूसी होने लगी थी। हमें कुछ अजीब लगा, पर हम उस वक्त वहां से निकलकर नीचे बाजार की तरफ घूमने चले गए। आते वक्त रात का खाना पैक करवा कर हम कोई 7 बजे के लगभग कॉटेज पहुंचे। मेन गेट पर शिब्बू मिल गया। वो कॉटेज का केयर टेकर था। उसने बताया यहाँ सिर्फ ब्रेकफास्ट और चाय काफी ही मिल सकता है, पर पीछे की तरफ किचन है जहाँ आप खुद खाना बना सकते हैं। विक्रम उससे आसपास घूमने की जगह पूछने लगा और मैं रूम की तरफ बढ़ चली। लॉबी पर पहुंचते ही मुझे ठंडी हवा का एहसास हुआ। मैं चाबी लगाकर अपने कमरे का दरवाजा अब भी खोल ही रही थी कि मुझे साथ के कमरे से धीमे संगीत की आवाज आई, बहुत ही मधुर पर उदासी। मुझे अचानक वह लड़की याद आ गई। पीछे पीछे विक्रम था। वह कहने लगा, अंदर चलो, यहाँ क्यों खड़ी हो? जैसे ही मैंने विक्रम की आंखों में देखा, बस उसकी आंखों में खो गई। मैं उससे दीवानों की तरह प्यार करती थी। मेरी जिंदगी सिर्फ वो और उसका प्यार था। अतः उसके आवाज लगाते ही मेरा ध्यान कमरे से आ रही आवाज से हट गया।
उस रात मैं बहुत सुकून से सो रही थी। बाहर किस पहर बारिश शुरू हो गई पता ही नहीं चला। मुझे प्यास लगी थी, फोन उठाकर देखा तो रात के 2 बज रहे थे। बारिश की रिमझिम और रात का सन्नाटा अलग ही दुनिया लग रही थी। मैंने विक्रम को देखा, वो किसी छोटे बच्चे की तरह सो रहा था। मैंने उठकर खिड़की खोली और बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। तभी साथ वाले रूम से किसी के रोने की आवाजें आने लगी। कोई आदमी जोर जोर से बोल रहा था और कोई लड़की रो रही थी। उनकी आवाजें स्पष्ट नहीं थीं, दबी दबी सी थी। खिड़की खुलने की आवाज से विक्रम भी उठ बैठा और कहने लगा, सुनीता तुम रात को खिड़की क्यों खोल रही हो? ये कॉटेज नदी के पास है, जंगली जानवर भी आ सकते हैं। तब मैंने दिन में मिलने वाली वो बिखरे बालों वाली लड़की का जिक्र किया। विक्रम बोला, मेरा ख्याल है वह कोई विदेशी है, उन्हें छोड़ो। कल मैं तुम्हें एक वाटरफॉल पर ले जाऊंगा, अभी तुम सो जाओ। सुबह बड़ा फ्रेश मूड था। हम जल्दी से नाश्ता करके वाटरफॉल की तरफ निकल पड़े। जाते जाते शिब्बू ने कहा, आप वाटरफॉल नीचे से ही देखिएगा, ऊपर चोटी पर मत जाइएगा। उस चोटी से फिसलकर बहुत लोग जान गंवा चुके हैं। लगभग 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके हम उस वाटरफॉल तक पहुंचे। वहां पर काफी चहल पहल थी, पर्यटकों के साथ साथ लोकल लोग भी थे। संडे जो था, वाकई बहुत खूबसूरत जगह थी। हम भी वहां फोटो लेने लगे। वहां पर एक छोटा सा लड़का लगभग जला हुआ पतीला, मैगी और कुछ कोल्ड ड्रिंक की बोतलें लिए बैठा था। विक्रम ने उसे कहा, मैगी के साथ साथ चाय पिला सकते हो? उसने हाँ में सर हिलाया। विक्रम उससे बातें करने में व्यस्त हो गया। मैं कैमरा ले थोड़ा और ऊपर को चढ़ने लगी। एक पतली सी पगडंडी सी थी जो वाटरफॉल के साथ साथ चल रही थी। मुझे लगा जहां विक्रम बैठा है उसका शॉट ऊपर से जाकर लिया जाए, वाटरफॉल की बढ़िया पिक्चर आएगी। अभी थोड़ा आगे ही बढ़ी थी कि अचानक वो उलझे बालों वाली लड़की मुझे अपने आगे दिखाई दी। वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। मैं भागते हुए उसके पास पहुंची। मैंने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि वो पलटी। मैं सकपका गई। मैंने कहा, हेलो। वो मुस्कुरा दी। मैंने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, आर यू अलोन हियर? उसने नामे सिर हिलाया। उसका चेहरा गोल और बहुत गोरा था, पर आंखें एकदम काली। उसके बालों की तरह वो भी बेहद खूबसूरत थी। मैंने उससे पूछा, वेयर आर यू फ्रॉम? इस बार वो धीमी आवाज में बोली, मैं भी भारतीय ही हूँ। मैंने कहा, ओह, मुझे लगा आप विदेशी हो। वो हल्के से हंसती। तभी मुझे ढूंढता हुआ विक्रम आ गया। मैंने परिचय करवाया, मैं सुनीता और मेरे हस्बैंड विक्रम। मैं झूठ बोल गई, उसने अपना नाम सारा बताया। विक्रम ने चाय पीने का ऑफर दिया पर उसने मना कर दिया। वो चोटी की ओर चली गई। विक्रम ने उसे कहा, बी केयरफुल। वह पलटी और मुस्कुराते हुए हाथ हिला दिया। हम लगभग 2 घंटे वहीं बैठे रहे पर सारा वापस नीचे की ओर नहीं आई। हम कॉटेज आकर सो गए। उस रात जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि विक्रम बिस्तर पर नहीं था। मैंने उसे आवाज दी पर कोई जवाब नहीं आया। विक्रम कहीं भी नहीं था। तभी बाहर लॉबी से कुछ आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला तो विक्रम बाहर उस खिड़की के पास खड़ा था जहां मैंने सारा को पहली बार देखा था, उसी तरह सर टिकाए हुए बाहर देखते हुए। मैंने कहा, जनाब कहां खो गए? विक्रम पलटा और बोला, मुझे कोई उदास सी धुन सुनाई दी, उसका पीछा करते करते यहां आ गया। साथ वाला दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। मुझे जिज्ञासा हुई, सारा वापस आई कि नहीं? मैंने देखा तो रूम बिल्कुल खाली था। पलंग पर एक भी सिलवट नहीं थी, पर्दे लगे हुए थे। मुझे लगा सारा शायद चली गई है। हमने डिसाइड किया आज डिनर खुद ही बनाएंगे। विक्रम ने शिब्बू से चिकन और वोडका ले आने को कहा। हमने कॉटेज के आंगन में आग जलाई, साइड में ही चूल्हा मंगा लिया। वोडका देख शिब्बू भी हमारे साथ बैठ गया। मैं चिकन पकाने लगी। रात बढ़ती जा रही थी। शिब्बू 2 पैग लगाने के बाद सेंटी हो गया था। कहने लगा, बाबूजी हमें भी दिल्ली ले चलो, अपने पास रख लेना, सेवा कर देंगे।
विक्रम उसे समझाने लगा। अरे तुम तो जन्नत में रहते हो, यहाँ काम भी कम है, आराम से रहो। आज तो कॉटेज में हम अकेले ही गेस्ट हैं। शिप्पू ने कहा। साहब, पिछले कुछ दिनों से आप ही अकेले गेस्ट हो। मैं और विक्रम एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। हमने कहा, एक कपल और भी था हमारे साथ वाले रूम में। आदमी को तो देखा नहीं, पर लड़की से मैं कॉटेज और फिर वाटरफॉल पर भी मिली। क्यों झूठ बोलते हो? शिब्बू का चेहरा सफेद पड़ गया, वो कुछ नहीं बोला। विक्रम ने कहा, क्या हुआ? शिब्बू अपना गला साफ करते हुए बोला, साहब मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, आप यहाँ अकेले ही गेस्ट हो। आप आ गए नहीं तो मैं खुद अपने गांव जाने वाला था। मैंने कहा, फिर वो लड़की कौन थी, कहो से आई? शिब्बू ने बताया, इस कॉटेज के बारे में बहुत कहानियाँ फैली हुई है। ये बहुत पहले अंग्रेजों के जमाने में किसी साहब बहादुर का घर था और यहाँ कुछ मौतें हुई थी। तब से आसपास के लोग यहाँ आवाजें सुनने लगे, कभी कोई उदास सी धुन, कभी लड़की के गाने की, कभी रोने की। मेरा यह सुनकर खून जम गया था, पर शिप्पू हमें सांत्वना देते हुए बोला, साहब मैंने तो आज तक ना ऐसा कुछ देखा ना सुना, मैं तो रोज यही रहता हूँ, कभी कुछ नहीं देखा। डिनर जैसे तैसे निपटा के हम दोनों रूम में आ गए। विक्रम मुझे ढांढस बंधा रहा था, पर अंदर से वह भी डरा हुआ लग रहा था। वोडका उतर चुकी थी और नींद भाग गई थी। मैं और विक्रम इधर उधर की बातें करते हुए टाइम बिता रहे थे। रात के 10 बज गए थे, बारिश शुरू हो गई। उसने माहौल को और बोझिल बना दिया था। बातें करते करते हम कब सो गए पता ही नहीं लगा। रात के किसी वक्त मुझे लगा जैसे मेरे ऊपर कोई झुका हुआ है। मैंने आंखें खोली तो सारा थी, सारा कंधों से पकड़कर मुझे उठा रही थी। मेरा नाम बार बार पुकार रही थी, उसकी आवाज गूंज रही थी। मैं हड़बड़ा कर उठी। सारा मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचती हुई अपने साथ ले जाने लगी। डर के मारे मेरे गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, विक्रम बिस्तर पर ही था। सारा मुझे साथ वाले कमरे में ले गई। उस कमरे की स्थिति ही बदली हुई थी। हॉल के कोने में बड़ी सी चेयर पर एक अंग्रेज आदमी बैठा हुआ वायलिन बजा रहा था। उदास धुन, उसकी आंखें बंद थीं। सारा उसके पैरों के पास जाकर बैठ गई। वह रोने लगी। सारा ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहने लगी, please Albert, do not go, do not leave me alone. पर उस आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सारा का चेहरा लाल हो गया था। अचानक वह आदमी खड़ा हुआ और मेरी ओर बढ़ने लगा। मैं एक जगह पर स्थिर हो गई थी, जैसे मेरी आंखों के सामने कोई पिक्चर चल रही हो। तभी सारा के हाथ में ना जाने कहां से बंदूक आ गई थी। सारा फिर बोली, Albert, stop. पर वो आदमी आगे बढ़ता ही जा रहा था और फिर एक धमाका और ढेर सारा धुआं, और तब पहली बार मेरे गले से चीख निकली। विक्रम और शिब्बू भागते हुए मेरे पास आए। मैं उस कमरे में एक जगह पर ज्यों की त्यों खड़ी थी और लगातार चीखे जा रही थी। वहां कुछ भी नहीं था। विक्रम मुझे उठाकर अपने कमरे में ले आया, मुझे पानी पिलाया। मैं पसीने में भीगी हुई थी। वो बार बार मुझसे पूछ रहा था, क्या हुआ, क्या हुआ? पर मैं कुछ बता नहीं पा रही थी। फिर कब मैं बेहोश हो गई पता ही नहीं लगा। जब मेरी आंख खुली, सवेरा हो गया था। विक्रम परेशान सा मेरे सिरहाने बैठा हुआ था। रूम के दूसरे कोने में शिब्बू दीवार से सर लगाकर ऊंघ रहा था। मैंने उठने की कोशिश की तो विक्रम ने मेरी मदद की। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सदियों से बीमार हूं, बहुत कमजोरी लग रही थी। शिब्बू को विक्रम ने कॉफी बनाकर लाने को कहा, फिर मुझसे पूछा, क्या हुआ था, तुम रात को वहां क्यों चली गई थी? मैंने सारी बात बता दी। विक्रम सुनकर सन्न रह गया। उसने जैसे तैसे पैकिंग की, मुझे सहारा देकर तैयार करवाया और हम निकल पड़े। कॉटेज से जैसे जैसे दूर जा रहे थे, मेरे शरीर में जैसे जान आती जा रही थी।
हम बाजार में पहुंच गए। विक्रम ने उस छोटे से ढाबे पर गाड़ी रोक दी। वह बूढ़ा चाय बना लाया। विक्रम और मुझे डरा हुआ देखकर वह बोला, साहब हम तो पहले ही दिन आपको बताने वाले थे, पर शहर के लोग ऐसी बातों को कहां मानते हैं। फिर जो उसने कहानी सुनाई वो इस प्रकार थी। यह बात उस जमाने की है जब अंग्रेज भारत को छोड़कर जाने वाले थे। यह कॉटेज अंग्रेज अफसर अल्बर्ट की थी। उसकी फैमिली इंग्लैंड में थी। वो लगभग 40 साल का हट्टा कट्टा आदमी था। कुछ साल पहले वो बंगाल से एक एंग्लो इंडियन लड़की सारा को अपने साथ ले आया था। वो बेचारी उससे बहुत प्यार करती थी, पर जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगे तो अल्बर्ट सारा को छोड़कर जाने लगा। उसे वो साथ कैसे ले जाता? इंग्लैंड में उसकी बीवी और चार बच्चे थे। सारा सारी जिंदगी का जिसे प्यार समझ रही थी वो तो बस मन बहलाव था। उसने बहुत कोशिश की अल्बर्ट ना जाए, पर वो ना माना और फिर सारा ने उसे गोली मार दी और खुद वाटरफॉल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। तब से ही उनकी आत्मा भटक रही है। मैं पूरे रास्ते यही सोचती हुई आई कि क्यों सारा ने मुझे चुना। क्या वो कुछ बताना चाहती थी? मुझे इशारा करना चाहती थी? जब गुड़गांव करीब आने लगा तो मैंने विक्रम को कहा, तुम भी मुझे छोड़ तो नहीं जाओगे? हमारे रिश्ते का भी तो कोई नाम नहीं है। विक्रम मेरी ओर हैरानी से देखने लगा। वो कुछ नहीं बोला। जिंदगी वापस आकर फिर बिजी हो गई। एक शाम मेरा फोन बजा। फोन विक्रम ने किया था। वह बोला, मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ, जल्द ही हमारी शादी की तारीख तय करनी है। उलझे बालों वाली लड़की ने मेरी जिंदगी सुलझा दी थी।